बाद में 12वां। तो क्वेश्चन नंबर 12, 11.1, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2.3 से गुजरता है। तो हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र x अक्ष पर है, मतलब इस प्रकार का वृत्त है जिसका केंद्र तो हमारा x अक्ष पर है, ये x अक्ष है और ये y, और त्रिज्या इसकी दे रखी है, त्रिज्या हमारे पास है इसकी 5 और यह बिंदु 2.3, एक पॉइंट से गुजरता है 2.3। तो इस वृत्त का समीकरण क्या होगा, है ना? तो इसका केंद्र, अगर इसका केंद्र x अक्ष पर है तो हमें पता है उसका y निर्देशांक तो 0 हो जाएगा, x निर्देशांक h मान लिया, h कोमा k मानते हैं केंद्र के निर्देशांक, परंतु यहाँ पे x अक्ष पे होने की वजह से उसका y निर्देशांक यानी k का मान 0 हो जाएगा। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक माना, वृत्त का केंद्र h कोमा 0 है क्योंकि यह x अक्ष पर है, तो k का मान 0 हो गया। और तो इसके वृत्त का समीकरण क्या क्या हो जाएगा, अतः वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। अब हमारा काम है h का मान ज्ञात करना, बाकी सब तो पता है। तो h के लिए इसने कहा है कि हमारा ये वृत्त किस पॉइंट से गुजरता है, 2.3। तो यह है वृत्त बिंदु 2.3 से गुजरता है, तो क्या करेगा, इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा ये, तो इसमें रख दो, 2x² की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2h x की जगह 2 प्लस एच स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर 25, ये हो जाएगा। एच स्क्वायर, एच की जगह तो एच ही है, एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया 4 माइनस 4 एच प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 बराबर 25, तो एच स्क्वायर माइनस 4 एच, 9 और 4 13, 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस 13 माइनस 25 माइनस के 12 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करोगे तो क्या होना चाहिए, योगफल 4 होना चाहिए, गुणा 12 आना चाहिए, माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से एक हो जाएगा इसका गुणनखंड, ये h स्क्वायर है, तो h माइनस 6 और h प्लस 2 बराबर 0। तो h के दो मान आएंगे हमारे पास, एक तो माइनस 2 और एक प्लस का 6। तो अतः वृत्त के दो समीकरण आ जाएंगे, अतः वृत्त का समीकरण, हमसे इसमें वृत्त का समीकरण पूछा है, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर जो 1 है इसमें मान रख देते हैं h का। सबसे पहले h बराबर माइनस 2 से समीकरण 1 में रखने पर ये वाला मान h बराबर माइनस 2 इस पहले समीकरण में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स, एच की जगह माइनस 2 रखोगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, तो प्लस 4x प्लस एच स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो ये समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, 25 इधर आ जाएगा तो माइनस का 21 बराबर 0। पहला समीकरण तो आ गया वृत्त का ये, तथा h बराबर अब की बार 6 रखते हैं समीकरण एक में रखने पर, जब ये समीकरण एक में h की जगह 6 रखोगे इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2h, यहाँ 6 रखोगे तो माइनस 12x हो जाएगा, यहाँ रखोगे 6 तो 36 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, 36 इधर 25 आएगा तो प्लस का 11 बराबर 0। ये होगी दूसरी, यहाँ पे प्लस था बिल्कुल, माइनस 2 रखा यहाँ पे तो ये प्लस 4x हो जाएगा, बिल्कुल सही। बाकी देख लो सही है आंसर दोनों।